वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत को लेकर अपडेट आपको बता देते हैं। बताया जा रहा है कि अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं प्रेमानंद महाराज। सीने में दर्द के बाद दरअसल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी प्रेमानंद महाराज की तबीयत दरअसल बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं प्रेमानंद महाराज। सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया था। डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चला, उनके जो टेस्ट हैं वो किए गए और अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर ये अपडेट अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाराज अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध संत हैं प्रेमानंद महाराज। शुक्रवार को अचानक से तबीयत दरअसल बिगड़ गई थी, जिसके बाद वृंदावन के ही एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ वीर नारायण जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। वीर नारायण, क्या हेल्थ अपडेट है प्रेमानंद महाराज का? क्या पूरी तरह से ठीक है? अस्पताल से छुट्टी मिल गई है उन्हें? जी बिल्कुल अंजलि, मैं बता दूं, वृंदावन से प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की कल अचानक तबियत बिगड़ी थी। हालांकि उन्हें वृंदावन के जो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है वहां उन्हें रूटीन चेकअप के लिए वहां भर्ती कराया गया था। अब पूरी तरह से वो स्वस्थ हैं, लेकिन जब बीमार जैसी उनकी सूचना जैसी कि प्रेमानंद महाराज के सीने में दर्द होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो इसको लेकर जिनके जो लाखों अनुयायी भक्त हैं उनमें काफी चिंता व्यक्त हो गई थी, और उसी चिंता को लेकर के जो श्रद्धालु भक्तों का जो आवागमन है वो वृंदावन की ओर होने लगा था। हालांकि देर शाम प्रेमानंद महाराज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, अब पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि जो प्रेमानंद महाराज हैं वो राधारानी के अनन्य भक्त हैं और दोनों किडनियां उनकी फेल हैं। राधारानी की भक्ति के कारण ही वो आज हम लोगों के बीच में है, जिंदा है, और हमेशा से ही वो राधारानी की भजन साधना में पूरी तरह से लीन रहते हैं। और यही कारण है कि देश और दुनिया से जो श्रद्धालु भक्त लाखों की संख्या में उनसे जुड़े हुए हैं और उनके जो यूट्यूब है, यूट्यूब से ही उनके जो प्रवचन है उनको सुनते रहते हैं। जी बिल्कुल, अस्पताल से छुट्टी उन्हें मिल गई है। क्या आप रोजमर्रा में जिस तरह से कार्य प्रेमानंद महाराज करते हैं, रोजाना की उनकी दिनचर्या रहती है, सुबह उठते हैं, बताया जाता है कि परिक्रमा करते हैं, रोजाना सत्संग होते हैं, दर्शन देते हैं अपने अनुयायियों को, तो क्या जो रोजाना की दिनचर्या है उसमें भी वापस लौट आए हैं प्रेमानंद महाराज? बिल्कुल, जो प्रेमानंद महाराज की जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक है और जो दैनिक उनकी दिनचर्या है उसी पर वापस लौट आए हैं। परिक्रमा भी वो कर रहे हैं और जो प्रवचन है वो भी उनका जो रूटीन जो था वो लगातार अब बन गया है। और उनकी अगर बात करें तो प्रेमानंद महाराज का जो रूटीन चेकअप है वो प्रत्येक माह जो रामकृष्ण मिशन है उस हॉस्पिटल में कराया जाता है, लेकिन अचानक कल जो शुक्रवार को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी थी, सीने में दर्द होने से लोगों में इस वक्त चिंता व्याप्त हो गई थी। इसी के चलते उन्हें जो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है वहां भर्ती कराया गया था और फिर कुछ जो डॉक्टरों की जो टीम है कुछ घंटे बाद ही उन्होंने पूरे चेकअप पूरा कर लिया और स्वस्थ होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी। ठीक है, शुक्रिया आपका वीर नारायण इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।